बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 का 29 स्टार्ट करेंगे। इसकी क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें डिनोमिनेटर में एक फंक्शन पड़ा हुआ है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्चुअली में वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखें जी, इसमें अगर आप साइड पे इसको चेक करें कि डिनोमिनेटर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका कहीं डेरिवेटिव क्या बनता है, कॉस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव जो है आपके पास 3 cos x + 4 sin बनता है, बल्कि प्लस नहीं माइनस के साथ। अब इसको न्यूमिरेटर में मौजूद होना चाहिए था। अगर न्यूमिरेटर में होता तो हम डिनोमिनेटर का ln लेके तो काम ख़त्म कर देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है और ना ही हम इसका डेरिवेटिव बना सकते हैं न्यूमिरेटर में, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, ये तरीका तो नहीं हो सकता। अब दूसरा है, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। इसमें रैशनलाइज करने का तरीका, रैशनलाइज करें क्या इसको। लेकिन रैशनलाइजिंग का फ़ायदा भी तब होता जब साइन और कॉस के कॉफिशेंट्स कम अज़ कम जो साथ लिखे हुए हैं वो सेम होते। अगर दोनों का कॉफिशेंट या तो 3 होता या फिर 4 होता तो फिर इनको रैशनलाइज करने का भी फ़ायदा था, तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाता। फिलहाल हमें रैशनलाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप एक बहुत ही ट्रेडिशनल सा फार्मूला या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, जैसे कि हम सब जानते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में मैं ये फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। अगर यहाँ पे कॉस हो जाए और यहाँ पे साइन हो जाए तो फिर आपका साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। एक दूसरा ऑप्शन भी आपके पास, आप यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि साइन का फार्मूला, कॉस का भी कर सकते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों में से आप जिस मर्ज़ी का फार्मूला कंप्लीट कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और फार्मूला कैसे कंप्लीट करेंगे, अगर 3 की जगह कॉस और 4 की जगह आपको साइन मिल जाए। अब इसमें स्टार्ट करते हैं इसकी सब्स्टिट्यूशन में। इसमें हम लेट करते हैं कि 3 जो है वो आपके पास कॉस थीटा है, लेकिन इसके साथ एक आर को लेट कर लें लाजमी। 3 इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये बहुत ही ट्रेडिशनल सी सब्स्टिट्यूशन है, ये अक्सर आपने इस तरह के क्वेश्चन में की होगी। और 4 को आपने लेट करना है आर साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ हमें आर की, इसके साथ हमें साइन की ज़रूरत है। आर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है एक्चुअली में, और ये डमी है, और थीटा भी यहाँ पे डमी है, क्योंकि यहाँ आपने जो वेरिएबल चल रहा है वो तो एक्स है, और ये आपने ख़ुद से यहाँ पे आर और थीटा को इंट्रोड्यूस करा है। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं तो हमारे पास बनता है जी क्वेश्चन आर कॉस थीटा साइन एक्स प्लस आर साइन थीटा कॉस एक्स। ठीक है जी, आर आप कॉमन निकाल लेंगे, बाकी आपके पास ये जो टर्म्स बनती हैं ये आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला बनता है। अल्फा है जी एक्स और बीटा है आपके पास थीटा जी। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/r को बाहर निकाल लें और कॉस साइन न्यूमरेटर में जाके कोसेकेंड बन जाता है, कोसेकेंड एक्स प्लस थीटा। अब कोसेकेंड की इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट आती है, दैट इज ln ऑफ कोसेकेंड माइनस कॉस। ठीक है जी, अब अगर आप आंसर यहाँ पे समझें कि हमारा आंसर ख़त्म है, तो यहाँ आंसर ख़त्म नहीं है, क्योंकि आर की वैल्यू आपने यहाँ पे, क्योंकि आर डमी था, आर की वैल्यू यहाँ इंसर्ट करनी है और थीटा की वैल्यू यहाँ इंसर्ट करनी है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ जो हमने इनिशियल सब्स्टिट्यूशन की थी वहाँ से इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से देखें, हमने यहाँ से अगर सबसे पहले तो ये कि हम आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके सम कर लें आप। इसके बाद आर स्क्वायर कॉमन निकलता है और साथ में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। आर स्क्वायर का आंसर 25 एंड आर का आंसर आपके पास निकलता है 5। ठीक है जी, ये निकलता है 5। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंसर्शन करें, आप यहाँ आर की वैल्यू निकालें, साथ ही मैं थीटा की वैल्यू भी निकाल देती हूँ आपको यहाँ से। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, आर साइन थीटा
over r cos theta is equals to 4 by 3. तो r तो cancel out हो जाता है और यहाँ से आपके पास बनता है tan theta is equals to 4 by 3. This implies theta is equals to tan inverse 4 by 3. ठीक है जी, थीटा का आंसर भी मैंने रख दिया और आर का आंसर भी रख दिया, 1/5 ln of. अब आपकी मर्जी है, आप इस स्टेज पे सिर्फ थीटा को जाके यहाँ पे इंसर्ट कर लें, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक होगा. लेकिन आपको अगर आप यहाँ पे थीटा का आंसर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये इसकी शेप ऐसी बन जाएगी. मैं नीचे बना के दिखा देती हूँ. कोसेकेंट एक्स प्लस थीटा है जी टेन इनवर्स 4/3. ठीक है, ऐसे आगे से इरेज करना पड़ेगा. माइनस कॉट एक्स प्लस टेन इनवर्स 4/3. ठीक है जी, ये आपका ख़त्म, ये आंसर यहाँ पे ख़त्म. लेकिन अगर आप पीछे से इस वक्त अगर आप बुक में देखें आंसर तो आपका मैच नहीं करेगा. बुक में जो आंसर है हमारा, वो आंसर अगर आप एग्जैक्टली उससे मैच कराना चाहते हैं तो ये तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, इस पर मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है. लेकिन अगर आप मैच कराना चाहते हैं तो पीछे आंसर जो है वो कुछ किसी और फॉर्म में, और वो मैं बताती हूँ कि उस फॉर्म में आप कैसे लेकर आ सकते हैं. ये देखिए जी, मैंने ये आंसर दोबारा लिख लिया है, इसको मॉडिफाई करते हैं. कोसेकेंट को 1/sin और इसको कॉस ओवर साइन में कन्वर्ट किया. फिर उसके बाद आपने एलसीएम लिया, 1 - cos x + θ और डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस थीटा. ठीक है जी, अब आपने इसको हाफ एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल किया और ये बनता है 2 sin² x + θ/2. ये मैं साइड पे फार्मूला लिख देती हूँ कि कौन सा फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया. मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के साथ 1 - cos θ/2. इस फार्मूले में अगर आप थोड़ी सी चेंजिंग्स करें, 1 - cos θ निकालें की वैल्यू निकालें सिर्फ, तो आपके पास 2 sin का जो भी एंगल है इस वक्त cos का, उसका हाफ sin के साथ जाएगा. ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में जो मैं फार्मूला इस्तेमाल करने लगी हूँ वो sin² θ वाला. sin² θ इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ होता है, बिल्कुल यही वाला फार्मूला. 2 sin इस एंगल का हाफ होता है जी x + θ/2, साइन के साथ आएगा और हाफ जो है वो कॉस के साथ जाएगा. ठीक है जी, ये 2 2 से कैंसिल जी. तो ये मैंने यहाँ से कैंसिलेशन के बाद देखें, न्यूमिरेटर में आपके पास बचता है साइन और डिनोमिनेटर में कॉस और आपके पास टेन बन जाता है, टेन एक्स इस एंगल के साथ x + θ/2. 2 को दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक्सेप्टेबल नहीं है तो थीटा नहीं है, क्योंकि थीटा आपके पास डमी था, आपने खुद से इंसर्ट किया था. इसकी वापस सब्स्टिट्यूशन बैक करनी है 1/5 ln और अंदर देखें x/2 + 1/2 और थीटा की जगह मैंने ये पुट कर लिया थीटा की वैल्यू जो मैंने स्टार्ट में निकाली थी, जो आपकी खुद से सपोज इक्वेशंस थी वहाँ से आपने टेन थीटा की वैल्यू यानी कि सॉरी वहाँ से आपने थीटा की वैल्यू निकाली जो कि बनती है टेन इनवर्स 4/3. अब ये फॉर्म आपको आंसर एक्चुअली में जो बुक में मिलेगा वो इस फॉर्म में होगा. तो मेरे ख्याल से तो अगर प्रूफ नहीं है, अगर नहीं कहा गया कि आप इसको प्रूफ करें, तो फिर तो आप चाहे इस फॉर्म में आंसर निकालें या जो पहले आंसर मैंने आपको निकाल के दिखाया उसमें निकाल के लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जी तो क्वेश्चन नंबर 30th है आपके सामने, इसमें आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेटिक फंक्शंस नज़र आ रहे हैं और अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखें तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है जी -sin और सेकेंट का डेरिवेटिव होता है sec·10. ठीक है जी, अब ये न्यूमरेटर में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये ln वाला सीन तो बिल्कुल भी नहीं है. क्या हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बना सकते हैं न्यूमरेटर में? तो ये ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है. इसमें सिर्फ इतना ये करते हैं कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सप्लिट करते हैं, जैसे न्यूमरेटर में हम इसको सप्लिट करके साइन और वो कॉस में बदल देते हैं टेन को,
और डिनोमिनेटर में कॉस तो कॉस ही रहेगा, सिकेंड को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम ले लें तो आपके पास बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम बिल्कुल सेम है, ये कैंसलेशन हो जाएगी और कैंसलेशन के बाद आपके पास बचेगा साइन एक्स ओवर वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में जो होल फंक्शन है, इस होल फंक्शन की होल पावर वन है, इसलिए डिनोमिनेटर में रहेगा, ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अब देखते हैं क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो साइन सॉरी आपके पास है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव बनता है वो जी बनता है टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये इसका डेरिवेटिव कंप्लीट है, इस वक्त भी इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में कंप्लीट नहीं है। अब क्या किया जाए, और ना ही बनाया जा सकता, ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप अगर इस वक्त इसको इस तरह से लिखें, डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिखें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। इसको कॉस स्क्वायर एक्स के बजाय कॉस इस तरह से लिखो। अब ये स्क्वायर के अंदर जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सिर्फ माइनस की कमी है, वो कोई मसला नहीं है, आप वो बना सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे ना, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर लें, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आप इसको अगर सब्सटीट्यूशन से करते हैं तो इसमें आपने सब्सटीट्यूशन क्या करनी है, आप पुट करें कॉस एक्स को अगर यहाँ पर टी लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ का डिफरेंशियल लें डी टी, साइन एक्स को साइन एक्स डी एक्स आपके पास न्यूमिरेटर में है, माइनस को उधर शिफ्ट कर दें। अब ये सब्सटीट्यूशन ज़रा करें तो आपके पास आएगा साइन एक्स डी एक्स गिरेगा माइनस डी टी, और डिनोमिनेटर में आएगा वन प्लस टी स्क्वायर, माइनस आपने बाहर निकाला डी टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर। अब वन प्लस टी स्क्वायर ये फॉर्म जब आती है ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है टेन इनवर्स एक्स की, यानी कि टेन इनवर्स टी की, यहाँ पर माइनस बाहर रहेगा टेन इनवर्स टी आ जाएगा। अब टी की आप बैक सब्सटीट्यूशन कर दीजिएगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स, ये आपके पास आंसर है, सिंपल, इसमें और कुछ नहीं करना था जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डिनोमिनेटर में और दो साइंस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों साइंस का डेरिवेटिव, दोनों साइंस की जो एंगल है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। पहले का एंगल है थीटा वन अगर हम इसे कहें तो एक्स माइनस ए, और दूसरे का जो एंगल है थीटा टू वो एक्स माइनस बी है। अब यहाँ पे आप जितनी मर्जी कोशिश करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद नहीं है और ना ही हम ये बना सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें कि आप इसे किसी टेक्निक से सॉल्व कर लें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर तो यहाँ इस तरह का सीन होता डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा होता, ठीक है, तो फिर तो हम और एंगल सेम होते, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंगल सेम होते, एंगल दोनों के सेम नहीं हैं, और अगर साइन थीटा कॉस थीटा होता तो हम टू को मल्टीप्लाई करके तो साइन टू थीटा वाला फार्मूला लगा देते। अब यहाँ पर अजीब बात यह है कि आपके दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं भी सेम, और दोनों को हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं और ना ही इनका डेरिवेटिव न्यूमिरेटर में बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ख़ास किस्म की टेक्निक लगनी है, उसको अगर आप याद कर लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें करना क्या है। ये देखिए जी, आपके पास इन दोनों के जो एंगल्स हैं, पहले का एंगल है एक्स माइनस ए और दूसरे का एंगल है जी एक्स माइनस भी। अगर आप इन दोनों के एंगल्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इस तरह से अगर हम एक्स, एक्चुअली में मैं ए माइनस बी बनाना चाहती हूँ, ये देखें जी, अगर आप एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए इन दोनों एंगल्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि अगर हम इसको थीटा टू मानते हैं और इसको थीटा वन मानते हैं, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपके पास जो आंसर आता है वो ए माइनस बी आता है, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, आपने इसमें अगर आप इसी का दोनों तरफ इक्वेशन के साइन अप्लाई करते हैं, साइन लेफ्ट साइड पर भी एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और राइट साइड पे भी ए माइनस बी,
तो ये जो है स्पेसिफिक फॉर्म, इस फॉर्म से आप अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ये देखिए जी, अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बता, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि साइन जहाँ एक्स इन्वॉल्व हो रहा है वो तो आपका वेरिएबल है इस वक्त का एक्स, लेकिन ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। अब ये जो राइट हैंड साइड पे आपने बनाया साइन ए माइनस बी, तो ये आपके पास, और इसके ऊपर साइन भी लगा लें जो भी आंसर आता है, ये ओवरऑल कांस्टेंट है इस वक्त, इसमें वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो कांस्टेंट को अलाउ होता है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं ए माइनस बी को अपने, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अपने इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो ये तो अलाउ है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें से क्या करें, ये डिनोमिनेटर वाला जो है साइन ए माइनस बी, इसको आप बाहर आने दें, और जो न्यूमरेटर में रखा हुआ है इसको आप अंदर ले जाएं। ये देखिए जी, मैंने ये लिख लिया है, और बाहर ये कांस्टेंट की हैसियत से बाहर ही रहेगा, वन ओवर साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ इतना करेंगे कि ये जो न्यूमरेटर में आपने साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, ये आप इसकी ये वाली फॉर्म यहाँ पे पुट कर लें जो कि बराबर है साइन ए माइनस बी के, ताकि हमें इससे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में कुछ फ़ायदा हो। ये देखिए, अच्छा मैं इसको यहाँ पे पुट करने से पहले चलें एक स्टेप कर लेते हैं, यहाँ एक्स माइनस ए माइनस, सॉरी एक्स माइनस बी है पहले बी, और x माइनस से, ठीक है जी, ये कर लिया, और ओवर में है आपके पास साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, ठीक है जी, यहाँ आपका dx है जी। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट को ऐसे ही रहने दें, और आप साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोल दें। यहाँ पे आप साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोलेंगे, साइन अल्फ़ा, अच्छा इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ा आपके पास क्या है जी, अल्फ़ा आपके पास है एक्स माइनस बी, और बीटा आप कंसिडर कर रहे हैं एक्स माइनस ए को, ठीक है जी। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करूं, साइन अल्फ़ा ये है जी आपका अल्फ़ा, और ये है जी बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर माइनस है बीच में कॉस अल्फा एक्स माइनस बी, और साइन बीटा एक्स माइनस ए, और डिनोमिनेटर को मैं इसी स्टेप में दोनों के टर्म्स के नीचे अलग अलग कर रही हूँ, साइन एक्स माइनस बी, और इसके हिस्से में मैंने अलग से कर दिया। और यहाँ पे डी एक्स आया, ठीक है जी, ये सारा इकट्ठा चल रहा है। अब इसमें कैंसिलेशन आपके पास होगी, साइन एक्स माइनस बी के साथ, और यहाँ साइन एक्स माइनस ए के साथ चलेगा, कैंसिल आउट हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं जी। तो नेक्स्ट में आपके पास आता है जी कॉस एक्स माइनस ए ओवर साइन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस वन ओवर, क्योंकि ये जो बाहर रखा हुआ है आपका, ये दोनों टर्म्स से जाके, दोनों इंटीग्रेशन के पार से जाके मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, और इधर हमारे पास है जी कॉस एक्स माइनस बी ओवर साइन एक्स माइनस बी, अब इसमें आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में अगर मैं इधर से देखूं तो ये जी, ये डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होता है जी कॉस, साइन का डेरिवेटिव है कॉस, न्यूमिरेटर में इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, और सेम, और एंगल भी दोनों का सेम है, ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए इसका एंगल और इसका एंगल सेम है। इधर आए, इधर भी यही सीन है, साइन
डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और दोनों के एंगल्स भी सेम हैं। और जहाँ तक एंगल का डेरिवेटिव की बात है तो एक्स माइनस बी इसका अगर एंगल है तो एंगल का डेरिवेटिव वैसे ही वन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने करना ये है, टेक्निक ये लगानी है कि डिनोमिनेटर में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो फिर आपका जो इंटीग्रेशन बनती है वो एल एन ऑफ डिनोमिनेटर हो जाती है, यानी कि एल एन ऑफ साइन एक्स माइनस ए हो जाएगी और बाहर कांस्टेंट आपका एज इट इज़ रहेगा साइन ए माइनस बी। और इसी तरह इस हिस्से में भी आपकी ऐसी इंटीग्रेशन हो जानी है, माइनस ये कॉन्स्टेंट मैं कॉमन निकाल रही हूँ दोबारा से, बार बार नहीं लिखना, एल एन ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा जो कि साइन एक्स माइनस बी है आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे फाइनल हो गया, आपका आंसर यही है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना चाहें आखिरी स्टेप को तो आप कर सकते हैं। देखिए एल एन ऑफ, यहाँ मैं आपको बताऊँ एल एन ऑफ, ये देखें जी, ये अगर आप इसको ए माने और इसको बी माने तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसको बी माना था सॉरी, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी का फॉर्मूला होता है एल एन ऑफ ए ओवर बी। तो ये फॉर्मूला बस आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, एल एन ऑफ ए आपका है साइन एक्स माइनस ए और बी आपका है साइन एक्स माइनस बी, बस ये फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आपके सामने है, इसमें आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक आपका टेन है और दूसरा एल एन का फंक्शन है, लेकिन एल एन जिस पर अप्लाई हो रहा है वो एंगल भी आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। अब ये दूसरा फंक्शन आप देखें, एल एन का तो कुछ नहीं किया जा सकता, एक तो तरीका ये है कि आप इस पर बाय पार्ट्स लगा दें और इसको ए और इसको बी मान के, दो फंक्शंस मान के एक को डिफरेंशिएशन में रख लें और एक को इंटीग्रेशन में रख लें, लेकिन उससे पहले आप देखें अगर कोई ऐसी, क्योंकि बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन जो है वो ज़रा टफ हो जाती है और वो लेंथी प्रोसेस है, उससे बचने के लिए अगर आप कोई शॉर्ट तरीका निकाल सकते हैं तो निकालें। अगर आपने इसको मिसाल के तौर पर इसको फंक्शन एक फंक्शन मान लिया, ये पूरा का पूरा एफ ओ एक्स है और ये आपके पास जो है जी ओ एक्स है, तो आपको देखना है कि क्या एफ ओ एक्स या जी ओ एक्स एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं। अब टेन एक्स का जो अगर डेरिवेटिव होता है आपके पास सिकेंड स्क्वायर एक्स, अब दूसरा फंक्शन अगर तो सिकेंड स्क्वायर एक्स होता तो हम टेन एक्स का पावर में इजाफा कर देते, वो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जानी थी, और लेकिन ऐसा नहीं है, सिकेंड नहीं है, एल एन ऑफ सिकेंड एक्स है। और एल एन ऑफ सिकेंड एक्स की अगर जहाँ तक डेरिवेटिव की बात करें तो पहले तो आपका एल एन का रूल लगेगा, यानी कि वन ओवर सिकेंड एक्स होगा, उसके बाद सिकेंड की होगी। अब इसमें सीन ये है कि आपका डेरिवेटिव बनता है और सिकेंड की होती है सिकेंड इनटू टेन, इसका डेरिवेटिव। अब ये चीज़ तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, इस पूरे का डेरिवेटिव तो आपके सामने बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अब ना ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के डेरिवेटिव्स नहीं हैं, इसलिए वो तरीका तो हम यहाँ पे लगा ही नहीं सकते हैं कि एक को दूसरे का डेरिवेटिव मान के और एक की पावर में इजाफा करके तो इंटीग्रेशन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे कुछ और हमें सोचना पड़ेगा, बजाय कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं लेकिन उनका थोड़ी सी ट्रिक लगा के अगर हम उनको सॉल्व करें तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर भी कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम ब्रेकअप करते हैं, मतलब अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, जैसे टेन को हमने ब्रेक किया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स पे, और इसी तरह से सिकेंड को कन्वर्ट किया वन ओवर कॉस एक्स में। नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन एक्स ओवर कॉस एक्स एज इट इज, एल एन ऑफ कॉस को अगर हम ऊपर ले जाएं तो कॉस एक्स की होल पावर बन जाती है जी माइनस वन, और एल एन की खासियत ये है कि ये पावर को उतार के पहले रख देता है, अब ये पावर आ जाएगी बाहर माइनस वन और ये आपके पास बन जाएगा एल एन ऑफ कॉस एक्स, यहाँ है जी आपके पास साथ में साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ कॉस का जो डेरिवेटिव होता है आपके पास वो जी होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एल एन ऑफ कॉस एक्स की, पूरे एल एन ऑफ कॉस एक्स के डेरिवेटिव की,
तो इसका जो कंप्लीट डेरिवेटिव बनेगा, पहले तो होगा ln का डेरिवेटिव, ln अप्लाई होगा 1 ओवर cos x, और cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x, यानी कि आपको इस पूरे का डेरिवेटिव माइनस sin x ओवर cos x साथ में चाहिए, और वो हमें नज़र भी आ रहा है। ये देखें ln ऑफ cos x, और इसके साथ है माइनस, इधर ले आए माइनस sin x ओवर cos x। ये देखें जी डेरिवेटिव इस पूरे फंक्शन का साथ में पड़ा हुआ है। ये देखें जी इस पूरे फंक्शन a का डेरिवेटिव ये b में रखा हुआ है, और साथ में हम लिख देते हैं dx। अब a फंक्शन का डेरिवेटिव अगर b पूरा है तो फिर a फंक्शन के पावर में हो जाएगा जी इजाफा, इसकी पावर में होगा इजाफा 2, और उस इजाफे से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस कॉन्स्टेंट कर लेंगे, और ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 33 नंबर पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है दो ट्रिग्नोमेटिक फंक्शंस, एक है आपका इस मान लें इसको एफ ओफ एक्स, इसको आप कहते हैं जी ओफ एक्स, क्या एफ ओफ एक्स का डेरिवेटिव जी ओफ एक्स है? तो नहीं जी। 3 tan x + 1 का डेरिवेटिव आपके पास होगा 3 sec² x, और यहाँ पे ये जो साथ पड़ा हुआ है ये cos² x है, और प्लस वन का तो वैसे ही जीरो हो जाता है। अभी आपको 3 sec² x डेरिवेटिव के फॉर्म में चाहिए जो कि साथ में नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो बहुत ऑब्वियस नज़र आ रहा है, कॉस ऊपर जाके सिकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये देखें, और डिनोमिनेटर में 3 tan x को प्लस वन एज इट इज़ रहने दें। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको ऊपर न्यूमिनेटर में नज़र आ रहा है, तो सिर्फ कमी है तो 3 की कमी है तो 3 आप मल्टीप्लाई भी कर लें और 3 से डिवाइड भी कर लें, इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1/3 करके, चूंकि अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, तो सिंपल आप ln ऑफ डिनोमिनेटर कर दें, ये आपका आंसर है। और अगर इसको थोड़ा सा और पुटिंग के साथ करना चाहते हैं तो उसमें तरीक़ेकार स्टेप में एक स्टेप आपका एक दो स्टेप्स और बन जाएंगे। उसमें ये होता है कि आपको मैं यहाँ से दोबारा लिख रही हूँ, सिकेंड स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है जी आपके पास 3 tan x + 1, ये है। इसमें सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे डिनोमिनेटर की, इसमें आप लेट करेंगे कि आपका डिनोमिनेटर जो है 3 tan x + 1 ये बराबर t के कर दें, ठीक है। फिर डिफरेंशियल ले लें, 3 sec² x dx = dt। यहाँ से सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स तो आपको नज़र आ रहा है अपने क्वेश्चन में, दैट्स वाई टी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। ये देखें जी जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप डी टी बाय 3 की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और डिनोमिनेटर में टी है, 1/3 बाहर आ जाएगा, डी टी ओवर टी है, और यहाँ बन जाएगा जी आपके पास ln ऑफ टी, और टी की जगह वापस जाके आप ये सब्स्टिट्यूशन कर लें, ये जो आपने टी की जगह पुट किया, तो सेम वही आंसर आएगा जो इस केस में आंसर है, वही आंसर आपका इस केस में है टी के सब्स्टिट्यूशन के बाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास e^sin x, इसको हम एक फंक्शन मानते हैं, और दूसरा फंक्शन है हमारे पास g(x) के नाम से जिसको हम कह रहे हैं cos x। अब इनमें से एक या दूसरे का डेरिवेटिव है, अब हम सब जानते हैं कि e^2 अगर आपके पास थीटा है और इसकी इंटीग्रेशन की जाए तो आंसर इसकी इंटीग्रेशन का e^2 θ ही होता है, प्रोवाइडेड कि इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। इस वक्त इसके एंगल का डेरिवेटिव 1 है और वह साथ में मौजूद है। अगर हम इसको एफ ओफ एक्स मानते हैं तो एफ ओफ एक्स का डेरिवेटिव क्या साथ में है, तो एफ ओफ एक्स का डेरिवेटिव बनता है जी cos x, क्योंकि इसके एंगल जो इसकी हेड पे पावर होती है उसका डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। वो डेरिवेटिव है जी साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और वो साथ में आपके मौजूद है। अब इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगी e^sin x, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है। और अगर आप थोड़े से एक दो स्टेप्स बनाना चाहते हैं तो उसमें स्टार्ट आप ऐसा कीजिए, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ, e^sin x cos x dx, इसमें आप लेट कीजिए, पुट कर दीजिए, इसकी जो पावर है साइन की e की साइन x, उसको आप t पुट करते हैं, अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल लेने cos x dx dt, तो इस पूरे हिस्से को हम पुट करेंगे dt, और ये बन जाएगा e^t, और e^t की इंटीग्रेशन होगी जी e^t, और लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट इज साइन x। सो जी ये आपके पास आंसर है।
जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास 35 नंबर पे क्वेश्चन। इसमें आप देखें, आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, एक पावर अंडर रूट के साथ है, इसको एफ ओफ एक्स मान लेते हैं, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विदाउट पावर है। अब इसमें जो पावर के साथ है उसका डेरिवेटिव देखें कि क्या साथ में है। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 1 + 3 cos² x की होल पावर आपके पास 1/2 है और साथ में रखा हुआ जी sin 2x। तो ज़रा चेक करें कि पावर के अंदर जो फंक्शन है 1 + 3 cos² x, इसका डेरिवेटिव क्या है। जिसका डेरिवेटिव बनता है 0 + 3 × 2 cos x, पावर नीचे उतार रही और फिर पावर में कमी और cos x की डिफ्रेंसीशन माइनस sin x। तो ये हमारे पास क्या बनता है, 6 − 6 sin x cos x। अगर ये साथ में होगा तो फिर इसकी पावर में एक इजाफा हो जाएगा, यानी कि एफ ओफ एक्स का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए जो कि है −6 cos x sin x। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ तो sin 2x पड़ा हुआ है। अब मुझे sin 2x का डबल एंगल फॉर्मूले से याद है कि इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 sin x cos x। यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको कन्वर्ट किया 2 sin x cos x। अब हम उसके करीब करीब कुछ पहुँच गए, इसके डेरिवेटिव को यहाँ बनाने में थोड़ा सा हम कामयाब हो गए। ये पावर है जी 1/2। अब देखें, आपको चाहिए था साथ में −6 sin x × cos x, साइन कॉस तो बन गया, अब माइनस की कमी है तो −1 लगा लें और बैलेंस करने के लिए एक माइनस बाहर लगा लें। बाकी 6 चाहिए आपको, 6 के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। बाहर आ जाएगा −1/3, 1 + 3 cos² x होल पावर 1/2, और यहाँ बन जाएगा −6 sin x cos x। ये देखिए जी, अब आपका डेरिवेटिव जो है इसका बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इस वक्त आपके एफ ओफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ये एच ओफ एक्स है। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह ये होगा 1/3, इसके पावर में एक इजाफा हो जाएगा, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होता है उसकी पावर में एक इजाफा होके उसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है, डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 3/2 आता है। नेक्स्ट स्टेप में −2/6 आई थिंक सो, सॉरी 3 × 3 = 9 होता है, 2/9 एंड 1 + 3 cos² x की होल पावर 3/2। ये है जी हमारा इस सब का आंसर। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 36 ऐसे लगता है जैसे क्वेश्चन नंबर 35 का ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। उसमें ये आपका 1 + cos² x न्यूमरेटर में था और sin 2x साथ था। अब 1 + cos² x उन्होंने डिनोमिनेटर पे पहुंचा दिया, तो कोई बात नहीं, आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी पावर ये है कि माइनस में। अगर हम ऊपर नहीं ले जा सकते अगर 1 + cos² x की होल पावर 1 होती इस वक्त, तो आप इसे आराम से ऊपर लेके जा सकते हैं। अब ये देखिए सेम वही क्वेश्चन दोबारा बन गया, वहाँ पे फ़र्क ये था कि +1/2 था, यहाँ −1/2 है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम सिचुएशन है, वही क्वेश्चन है आपका, लेकिन यहाँ पे 3 की कमी है। कोई बात नहीं, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, इट्स ओके। अब कॉस यहाँ पे मैं साइड पे आपको दिखाऊँ, 1 + cos² x, इसका अगर आप डेरीवेटिव लेते हैं तो इसका डेरीवेटिव बनता है जी 0 + 2 cos x −sin x, यानी कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो −2 sin x cos x बनता है और वो इसके साथ पड़ा हुआ है। इसको खोलेंगे 2 sin x cos x निकलेगा, कमी है जी सिर्फ माइनस की, तो माइनस की कमी पूरी करने के लिए मल्टीप्लाई कर दें और एक बैलेंस करने के लिए बाहर लिख दें। अब जी आपके इस एफ ओफ एक्स का डेरिवेटिव साथ में ये जी ओफ एक्स मौजूद है, तो एफ ओफ एक्स की पावर में एक इजाफा हो जाएगा, यानी कि जो भी इसकी पावर है −1/2 उसमें एक +1 कर लें और उसी से डिवाइड कर दें, एक माइनस आपका बाहर है, तो ये आपके पास बनेगा −1 + cos² x की होल पावर 1/2, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1/2, जो नेक्स्ट स्टेप में −2 हो जाएगी, 1 + cos² x। ये है जी आपका आंसर जी। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आप देखें
इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास दो एक फंक्शन है जो कि सम ऑफ जिसकी दो टर्म्स हैं, और हर टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि जी, तो इसमें आप ये देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव तो न्यूमरेटर में आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, और ना ही ये बन सकता है। यानी कि बनाने का मकसद हमेशा ये होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ में इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी था जिसमें आपके पास इसी तरह से साइन के कॉफिशेंट में कोई कांस्टेंट था और कॉस के कॉफिशेंट में कोई कांस्टेंट था, लेकिन उस केस में कॉस और साइन की पावर 1 थी, लेकिन यहाँ पे इनकी पावर्स 2 हैं। इसमें बाहर ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसमें छोटी सी एक ट्रिक अगर आप लगा लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखें जी, अगर आप इसे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखिए जी, न्यूमिरेटर को भी आपने कॉस स्क्वायर से और डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो न्यूमिरेटर में बन जाता है जी सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में बनता है आपके पास 10 स्क्वायर। ये देखिए जी, न्यूमिरेटर में बनता है सिकेंट, डिनोमिनेटर में 2 tan² x + 3। अब इस वक्त जो आपका डिनोमिनेटर है 2 tan² x + 3, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास बनेगा इसका डेरिवेटिव कंप्लीट का, तो आपके पास 4 tan x और tan का सिकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा, ठीक है, +0। अगर आप पूरे का डेरिवेटिव देखना चाहते हैं न्यूमरेटर में तो वो आपके पास नहीं बन सकता। हाँ, अलबत्ता टेन एक्स का डेरिवेटिव अगर आप देखते हैं तो वो सिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, और वो न्यूमरेटर में आपके पास मौजूद है। तो इसके मुताबिक आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। ये देखें जी, आप इसमें से अगर इसको ऐसे लिखें 2√2 tan x का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, अगर आप इसको इस तरह से मॉडिफाई करें तो नेक्स्ट स्टेप में सिकेंट स्क्वायर एक्स ओवर, ये देखिए, ये आपके पास जस्ट लाइक ए स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये आपका फॉर्मूला बन गया जी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब भी आपके पास इस तरह का फॉर्मूला आए, अगर आपके पास, मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लिख देती हूँ, वेरिएबल स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर हो, इस तरह का हो, तो आपके इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो डायरेक्ट आपके पास होती है 1/a tan inverse x/a। ये जी इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला है। अब इसमें होना ये चाहिए कि दरअसल वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, और एक चीज़ जो इसमें एडिशनल होती है, जो भी वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव ऊपर ज़रूर होना चाहिए, जो कि इस वक्त 1 बनता है। अब यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे वेरिएबल मैं मान रही हूँ √2 tan x को। अब tan x का डेरिवेटिव होता है जी सिकेंट स्क्वायर x, वो तो है मौजूद, लेकिन कमी है तो किसकी कमी है, √2 के साथ में। तो कोई बात नहीं, आप √2 को मल्टीप्लाई भी कर लें और √2 से डिवाइड भी कर लें, तो ये आपका डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करती हूँ, एक्स को वापस लिखती हूँ √2 tan x, ठीक है, और ए की जगह मैं लिखती हूँ √3। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा आपके पास 1/a, ए क्या है आपके पास √3, टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है जी √2 tan x ओवर ए √3 जी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/√6 टेन इनवर्स √2/3, इसे एक ही √ में लिख लें 10x, ठीक है जी। ये चीज़ है आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। अच्छा, इस स्टेज पे मैं आपको बता दूं कि जब आप इस स्टेज पे, इसके बाद जो मैंने स्टेप्स किए वो मैंने डायरेक्ट ही कर लिए,
देखिए यहाँ से जो स्टेप्स आगे बढ़ते हैं वो मैंने डायरेक्ट कर लिए, लेकिन इस स्टेज पे जहाँ मैंने टिक लगाया यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्ट करने के मूड में नहीं और आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, इसमें मैं आपको बता दूँ, आपको इस स्टेज पे यहाँ पे लेट करना होगा अंडर रूट टू टेन एक्स को टी लेट करना होगा, और अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल लेंगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी टी, ठीक है जी, और सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू निकलेगी डी टी ओवर अंडर रूट टू। तो ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास डी टी ओवर अंडर रूट टू बन जाएगा और डिनोमिनेटर में टी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। अब यहाँ से ये डायरेक्ट फार्मूला आपका ये वाला अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला जो है वो डायरेक्ट अप्लाई होगा, ठीक है जी, ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा और अप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा वन ओवर ए टेन और ये अंडर रूट टू भी आपका ये बाहर निकलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट टू भी है वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए यानी कि टी ओवर अंडर रूट थ्री। अब यानी कि बनता है वन ओवर अंडर रूट सिक्स और टेन इनवर्स टी, टी का मतलब है अंडर रूट टू टेन एक्स ओवर अंडर रूट थ्री। ये देखिए जी आंसर आपका वही आया इस केस में भी, दोनों केसेस में आंसर जो है पहला आंसर ये वाला और ये दूसरा आंसर, ये दोनों आंसर सेम है, बस आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे डायरेक्ट कर लेंगे आपकी मर्जी।